गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमपीएस मोटिवेटर्स, अ यूनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे लिविंग थिंग होता क्या है और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। लिविंग थिंग जिसमें कि सांस लेने की क्षमता होती है, जो सांस लेता है, जो बढ़ता है, जिसमें ग्रोथ होता है, जो जिसमें कि मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ये सब क्या होता है। जो रिप्रोड्यूस करता है, अपने ही सेम काइंड के बच्चों को रिप्रोड्यूस करता है, ये सब क्या है, लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, जो कि सांस नहीं लेता है, जो खाना नहीं खाता है, जो जिसमें कि मूवमेंट नहीं होता है, जिसमें ग्रोथ नहीं होता है, ये सब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के। लिविंग थिंग में क्या देख लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग, हम और आप, ये सब क्या है, लिविंग थिंग। एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। और नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स में हो गया चेयर, टेबल, बॉल, मार्कर, ETC। ये क्या हो गया, लिविंग थिंग, और ये हो गया नॉन लिविंग थिंग। ह्यूमन बींग सांस लेता है, मूवमेंट होता है, इसका ग्रोथ होता है, बट चेयर का कोई सांस, चेयर सांस नहीं लेता, ना ही उसमें कोई मूवमेंट होता है, ना ही उसका ग्रोथ होता है, ये इसीलिए ये नॉन लिविंग थिंग है और ये लिविंग थिंग है। इसी में दो टर्म आता है, एक मैनमेड थिंग और नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग क्या होता है और मैनमेड थिंग क्या होता है, ये हम देखेंगे। नेचुरल थिंग और मैनमेड थिंग, नेचुरल थिंग में क्या क्या आता है, जैसे कि जो हमको प्राकृतिक में अपने आप मिला हो, जो हमारे प्राकृतिक में पहले से ही उपस्थित हो, जो जिसको भगवान ने बनाया हो, जो मैं आदमी के द्वारा ना बनाया गया हो, जैसे कि हो गया आपको माउंटेन, सन, मून, स्टार, ये सब क्या हो गया, नेचुरल थिंग हो गया। और मैनमेड थिंग हम देख लेंगे, पेन हो गया, टेबल हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या है, मैनमेड थिंग, जिसको कि आदमी ने बनाया है, ठीक है। और नेचुरल थिंग में भी दो टर्म आता है, एक नेचुरल, नेचुरल लिविंग थिंग, और दूसरा होता है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। इसमें दोनों में हम अंतर समझेंगे। नेचुरल लिविंग थिंग में क्या होता है, ऐसा प्राणी जिसमें कि जान हो, जिसमें कि जो कि प्राण, जिसमें कि जान होता है और जो कभी मरता नहीं है, जिसमें लाइफ होता है, जिसमें कि लाइफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लिविंग थिंग। और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग जिसमें कि लाइफ नहीं होता है, जिसका कोई लाइफ नहीं होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल नेचुरल लिविंग थिंग का हम एग्जांपल देखेंगे, प्लांट जिसमें कि लाइफ होता है, एनिमल्स इसमें भी लाइफ होता है, ह्यूमन इसमें भी लाइफ होता है, ह्यूमन बींग इसमें भी लाइफ होता है, तो ये सब क्या हो गया, नेचुरल लिविंग थिंग हो गया। और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग जिसमें कि लाइफ नहीं होता, वो तो नेचुरल होता है लेकिन उसमें लाइफ नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे माउंटेन, रिवर, सैंड, क्लाउड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें, वाटर, ये सब क्या हो गया, ये सब नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है जिसमें कि लाइफ नहीं होता और इसमें लाइफ होता है। ये हम लोगों ने इतना टर्म को देखा, अब हम लोग कुछ फीचर्स को देखेंगे, लिविंग थिंग के कुछ फीचर्स को देखेंगे, क्या क्या उसके खासियत है। जैसे कि लिविंग थिंग जो है वो बढ़ता है, ग्रोथ होता है उसमें, लिविंग थिंग जो है वो खाना खाता है और पानी पीता है। लिविंग थिंग में क्या होता है कि उसका मूवमेंट होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और लिविंग थिंग जो है वो अपने ही जैसे सेम काइंड को जन्म दे देता है, रिप्रोड्यूस करता है। लिविंग थिंग जो है वो मरता भी है, डाई किसी न किसी कुछ खास समय के बाद वो मर जाता है। बट नॉन लिविंग थिंग में क्या होता है कि ना वो खाना खाता है, ना वो पानी पीता है, ना ही वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है बिना किसी के मदद से, और ना ही उसका ग्रोथ होता है,
जैसे कि चेयर को ही हम लोग ले लेते हैं, उसका ना ही ग्रोथ होता है, ना ही वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ना ही वो खाना खाता है, ना ही वो पानी पीता है। वो जब तक आदमी उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए तब तक वो हिल नहीं सकता है। तो ये हो गया नॉन लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग का फीचर्स हो गया जब हम लोगों ने बताया, जैसे कि आदमी को देख लीजिए, आदमी जो है पहले छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, वो बड़ा होता है। क्यों होता है? वो खाना खाता है, पानी पीता है, उसको पौष्टिक आहार वगैरह मिलता है जिससे वो बड़ा होता है और उसका ग्रोथ होता है, उसके आकार में चेंजिंग आता है, उसके साइज में चेंजिंग होता है, उसके लंबाई बढ़ते हैं, उसके उसका लंबाई बढ़ता है, ये सब चेंजेज आते हैं। तो ये सब क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। तो ह्यूमन बींग जो है कुछ समय के बाद जो होता है वो रिप्रोड्यूस भी करता है, करती हैं जो भी महिलाएं होती है, वो अपने ही जैसे सेम काइंड के बच्चों को जन्म देती है। एनिमल में ही देख लीजिए, गाय जो होती है वो भी अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देती है। ये सब क्या है? ये ग्रोथ है, ये लिविंग थिंग है, जो कि रिप्रोड्यूस करता है, जो सांस लेता है, जो खाता है, जो पीता है, ये सब क्या है? ये लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग ये सब ठीक इसके अपोजिट हो जाता है, वो ना ही सांस लेता है, ना ही वो खाता है, ना ही वो कुछ पीता है, ना ही वो ग्रोथ करता है, कुछ नहीं होता है। तो ये आज हम लोगों ने ये समझा और देखा कि लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। उसी में दो टर्म आया, नेचुरल थिंग और मैनमेड थिंग, और नेचुरल थिंग का भी दो टर्म आया, नेचुरल लिविंग थिंग और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। इसको आज हम लोगों ने देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।